अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज क्या बन रहा है? आज काफ़ी सारी चटनियाँ और काफ़ी सारी सॉस बनाएंगे, जो किसी भी रेसिपी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन टाइम बहुत कम होता है, इस वजह से आज मैंने सोचा कि आज सारी चटनियाँ और सॉसेस बना लेते हैं जो आपको काम आएंगे। तो सबसे पहले हम पुदीने की चटनी बनाते हैं, और इसके लिए मैंने ले लिया है पुदीना, जिसे मैंने वॉश कर लिया है। हरी मिर्च ले ली है मैंने 4, और लहसुन के जबे ले ली हैं 2, और अदरक का टुकड़ा ले लिया है इतना सा। पुदीना इसमें डाल दिया है, और इसके साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये डाल देंगे। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून नमक, ये डाल देंगे। इसको मैं कर लेती हूँ अब अच्छे से ब्लेंड। तो ये चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, इसे मिक्स करते हैं दही में। सारी चटनी को इसमें डाल देंगे। और इसे कर लेंगे मिक्स अच्छे से। ये चटनी होगी रेडी। अब जिसमें सर्व करनी है उसमें आप डाल सकते हैं, आप इसे ऐसे सर्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चटनी की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो अगली सॉस बनाने के लिए मैंने ले लिया है लेमन, जिसके चंद ड्रॉप चाहिए हमें। 2 टेबलस्पून मैंने मेयोनीज ले लिया है, और मैंने ले लिया है चिली गार्लिक ले लिया है, 1 टेबलस्पून जाएगा, और 1 टीस्पून जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमने ये ले लिया है 2 टेबलस्पून मेयोनीज, इसमें जाएगा 1 टीस्पून लेमन जूस। लेमन जूस मिला देंगे, और इसके साथ साथ मिला देंगे इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड, और डाल देंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड। 1 टीस्पून हमने इसमें मस्टर्ड डाल दिया, और 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे चिली गार्लिक। आप चाहें तो केचप भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून ले लिया है। और इन सबको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसको भी करते हैं सर। सॉस भी हमारी तैयार हो गई है, और अब बना लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून मेयोनीज ले लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने शुगर ले ली है चीनी, 1/2 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने सिरका ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट ले लिया है। और इसमें सबसे पहले मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून लेमन जूस, और इसके साथ साथ इसमें डाल देंगे विनेगर, सिरका डाल लेंगे। पहले इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। अब इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी, नमक, इसे ऐड कर लेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट, और इसको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स इसमें। इसको भी कर लेते हैं सर। ये सॉस भी हमारी रेडी है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट चटनी की तरफ। नेक्स्ट चटनी है हमारी आलू बुखारे की चटनी। आलू बुखारे को मैंने पानी में डिप कर दिया था ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और इसके साथ साथ मैंने 2 टेबलस्पून सिरका ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ले लिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें मिर्च ले ली है, 3 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी ली है। आप चाहें तो इसमें नट्स भी डाल सकते हैं, मैं इसे सिंपल बना रही हूँ। चलिए तैयार कर लेते हैं। यहाँ आलू बुखारा मैंने पैन में डालकर पकने के लिए रख दिया है। अब इसमें डाल देते हैं नमक और मिर्च, सिरका ऐड कर देते हैं। इसे 5 से 10 मिनट में और पकाऊंगी।
और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड फूड कलर, ये ऑप्शन है, अगर आप नहीं चाहते तो मत ऐड कीजिए। मैं इसमें ये डाल रही हूँ, कलर इसे बहुत प्यारा सा आ जाएगा। थोड़े से और सॉफ्ट करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे शुगर, ये तैयार हो चुकी है, बस इसे सर्व करते हैं। जी तो हमारी आलू बुखारे की चटनी भी रेडी है। जी फ्रेंड्स, तो आपको पता चल ही गया होगा, नेक्स्ट हम बना रहे हैं इमली की चटनी। ये भी बहुत यमी है, दही भड़ों के साथ, चाट के साथ बहुत मजा करती है। तो इसके लिए मैंने इमली को पानी में डिप कर दिया है, और इसमें आप कुछ भी चीजें कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आपने ज्यादा स्पाइसी बनानी है तो ज्यादा मसाले डाल दीजिए, और अगर ज्यादा मीठी चाहिए तो मसाले कम करके चीनी ज्यादा कर दीजिए। और इसमें मिकदार जो है सौंठ की कम ही रहेगी, मैंने हाफ टी स्पून ली है, हाफ टी स्पून मैंने सौंठ ले ली है, और हाफ टी स्पून मैंने काला नमक ले लिया है, हाफ टी स्पून मैंने सौंफ ले ली है, हाफ टी स्पून मैंने नमक ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने जीरा ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने सूख मिर्च ले लिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने चिली फ्लेक्स ले ली है, आधा कप मैंने इसके लिए चीनी ले ली है। करना हमें ये है कि इमली को हम मसल लेंगे हाथ से, और मसल कर इसकी जो गुठली है उसे अलग कर देंगे हम, और इसका इमली का पल्प अलग कर देंगे। अब इमली में से इसकी गुठलियों को अलग कर दिया है, इसमें जो बाल होता है उसको भी अलग कर दिया है मैंने। अब हमने सौंफ लेनी है, सौंफ को डाल लेंगे इसमें। सौंफ मैंने इसमें डाल दी है, और इसके साथ जीरा डाल देंगे इसमें। मैंने सौंफ और जीरा इसमें डाल दिया है, और इसके साथ साथ चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। मैंने सौंफ, जीरा और चिली फ्लेक्स ले ली है, इन तीनों चीजों को मैं ग्राइंड करके इसमें डालूंगी। यहाँ पैन में मैंने इमली का पानी डाल दिया है, इसके साथ साथ मैं डाल दूंगी नमक, मिर्च, काला नमक और सौंठ। इसे डालकर अच्छे से पका लेते हैं। और फिर इसमें डाल देते हैं ये मसाला जो हमने क्रश करके रखा था। इसे पकने देते हैं थोड़ी देर। अब इसमें ऐड कर देंगे चीनी, फिर से इसे पका लेंगे। चीनी मेल्ट होगी, एक दफा पतली हो जाएगी, और फिर इसे थिक होने तक पकाएंगे। अब ये रेडी है, काफी थिक हो गई है, फ्लेम को कर देंगे ऑफ। ये हो चुकी है रेडी, ये चटनी हो गई तैयार, सर्व करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो इमली की चटनी भी हो गई तैयार, इसे एक बाउल में डाला है मैंने, ऐसे एक बोतल में भी डालकर आप फ्रिज में रख सकते हैं, ये रमजान में आपके बहुत काम आने वाली है। जी फ्रेंड्स, तो हमारी तमाम चटनियां और सॉसेस तैयार हैं, इसके अलावा भी बहुत से हैं, मैं आपको सिखाती रहूंगी। रमजान को बहुत ईजी कर दिया है, हर चीज के साथ ये सर्व हो सकती है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसी बनी। साइमा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।